हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं इधर से अभी गुजर रहा था तो देखा यहाँ बच्चे सब यहाँ आम के वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, ऊपर देख रहे हैं और आम को झोर भी रहे थे। तो दोस्तों, हमने सोचा कि चलो इन लोगों को आम ऊपर से चढ़ के हिला देता हूँ और ये सब लोग खा जाए, क्योंकि दोस्तों बचपन में आम की लालसा कितना होता है हमें पता है। दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। मैं अभी इस ब्रिज पे जा रहा हूँ दोस्तों, ऊपर बहुत ऊंचा ब्रिज है और वहाँ से आम पक गया है। दोस्तों, आम का सीजन बहुत ही अच्छा है और आम पक गया है और आप लोग देखते रहिएगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं ब्रिज के आधी ऊंचाइयों पे आ चुका हूँ। बाप रे बाप, कितना डर लग रहा है, लेकिन देखते रहे दोस्तों, ऊपर तक जा रहा हूँ अभी। आप लोग वीडियो पर बने रहे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं इतनी ऊंचाइयों पे आ चुका हूँ। नीचे आप देख सकते हैं बच्चे सब वहाँ पर नीचे खड़े हुए हैं और देख सकते हैं। दोस्तों, मैं डरते डरते ऊपर जा रहा हूँ, सूट भी कर रहा हूँ दोस्तों। एक हाथ से चढ़ रहा हूँ, एक हाथ से पकड़ा हुआ हूँ। आप लोग देख सकते हैं आम वहाँ पर दोस्तों पके पके लगे हुए हैं। अभी थोड़ा और ऊँचाई पर जाना है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी मतलब चढ़ाई। दोस्तों, जो जानता चढ़ने के लिए वही चढ़ सकता है, कोई वैसा अगर चढ़ेगा तो गिर भी जाएगा। दोस्तों, हम लोग काफ़ी बार पेड़ पर चढ़े हुए हैं आम को हिलाने के लिए, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आम पर चढ़ना पड़ता है। सो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मैं पेड़ की ऊंचाइयों की बुलंदियों पर आ चुका हूँ। दोस्तों, बस ये ब्रिज का एकदम आखिरी पुलुई पर पहुँच चुका हूँ। आप लोग दोस्तों नीचे देख सकते हैं कितना गहरा लग रहा है। दोस्तों, बहुत दूर तक देख सकते हैं कितना सब, बहुत नहीं वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग देखते रहिए और अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा और ऊपर जाना है। दोस्तों, आप लोग वीडियो पर एकदम बने रहिएगा, दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं। दोस्तों, देख सकते हैं आम के किनारे हम पहुँच चुके हैं और बहुत ही जल्द आम को हिलाने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों देख सकते हैं कितने ऊँचाइयों पर हम आ चुके हैं। वहाँ नीचे दोस्तों देख सकते हैं मोती आए हैं, बच्चे भी हैं और आम का वेट कर रहे हैं, अभी पुखनारी हमको हिला के देंगे। तो देखो दोस्तों, आप लोग कितने अच्छे से, हम सब पुखनारियाँ लगी हुई हैं, एकदम आम पक्के कितना मीठा मीठा हो गया है। दोस्तों, अरे डर भी लग रहा है। दोस्तों, थोड़ा आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं आपके वीडियो बनाने के लिए मैं कितनी ऊँचाइयों पर आ चुका हूँ। दोस्तों दोस्तों, आप लोग वीडियो को एकदम देखते रहिएगा। अभी आम कैसे हम गिरा रहे हैं उसको भी देखिएगा। दोस्तों, देख सकते हैं मैं आम के एकदम इतने ऊंचाइयों पे आ चुका हूँ। बाप रे बाप, आप लोग देख सकते हैं आम के एकदम आखिरी शिखर पर। दोस्तों, आप लोग देखते रहिए और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं आम तोड़ तोड़ कर बच्चों को खिला रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक ये हिला रहा हूँ, वो देखिए तब कित। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं एक, तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं आम का ब्रिज बहुत ही ऊँचा है। इतना अच्छा लग रहा है दोस्त, यहाँ का लोकेशन कितना ही खूबसूरत नज़ारा। आप लोग दूर तक देख सकते हैं कितना अच्छे से दिख रहा है सारा गांव। और यहाँ मैं आम के ब्रिज पे बैठा हुआ हूँ दोस्तों, ऊपर आम मतलब काफ़ी सारा आम। तो दोस्तों, देख सकते हैं आम यहाँ पर कितने अच्छे से लगे हुए हैं एकदम पुखनारी की। थोड़ा मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, आप लोग देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों सब पके पके और मीठे ताज़े आम हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं इतनी ऊंचाइयों पे मैं आम तोड़ने के लिए बहुत ही ऊपर आ चुका हूँ। दोस्तों दोस्तों आप लोग देख, पता है आप लोगों को, मैं एक हाथ से ट्राईपॉड पकड़ा हूँ, एक हाथ से ही पेड़ पे चढ़ा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वीडियो बनाते हुए चढ़ा हूँ। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों अभी आप लोग देखिए कितने अच्छे से मतलब सब आम यहाँ और कितने ऊंचाइयों पर हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, वहाँ सब बच्चे और कई लोग खेल रहे हैं, बिया भी काट रहे हैं और यहाँ बारिश। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कितने ऊंचाइयों पर कैसे कैसे टेढ़ा टेढ़ा पेड़ होके आया है। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं। दोस्तों ये देखिए कि यहाँ का ऊपर का नज़ारा इतना अच्छा दिखता है। दोस्तों आप लोग देखिए रहे, देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आपके मनोरंजन के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और दोस्तों हमारे ब्लॉग चैनल है तो कुछ दिखाना पड़ता है। दोस्तों ऐसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। दोस्तों मेरा संदेश यह है कि कोई भी बच्चा आम के पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों जीवन बहुत बहुमूल्य होता है और हम लोग
चढ़ना जानते हैं वृक्षों पर, इसलिए मैं किसी को नहीं कहूंगा चढ़ने के लिए कि मेरा वीडियो देखकर कोई भी बच्चा या कोई और आम के पेड़ पर चढ़े, क्योंकि दोस्त जो ये आम का वृक्ष का मतलब डाढ़ होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए कई तरीके से इसको चढ़ा जाता है दोस्तों। ऐसा मेरा मोटिवेशन आपको करने का मतलब नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पर बने, आप लोग देख दोस्तों देख सकते हैं कितनी ऊँचाइयों पर। और दोस्तों बच्चों का कोई बच्चा चढ़ ना जाए वृक्ष पे, इसलिए मैं खुद चढ़ के इन लोगों को आम हिला के नीचे गिरा भी दिया हूँ, और कई सारे बच्चे हैं जो कि आम को खा रहे हैं, थोड़ा कच्चे भी थे गिर गए हैं दोस्तों, और कुछ पके हुए आम भी थे वो भी गिरे हुए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना पका पका आम है, और नीचे सब बच्चे वहाँ पर ढूंढ खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बच्चों आप लोगों ने आम खाया? अच्छा था, मीठा था, और चाहिए? ठीक है, मैं अभी गिरा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, मैं अभी उस डार पे जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं फिर आम दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देखे मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे आम पकनारी खाए हुए हैं दोस्तों, पका हुआ आम उनके चेहरे पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो मुस्कान है। दोस्तों आप लोग वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हो दोस्तों आम खरीद कर खा नहीं सकते, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों उनको आम खिला देना चाहिए। किसी गरीब के बच्चों को अगर एक दो आम दे दिया जाए तो कोई गरीब नहीं हो सकता, चाहे मुझे इसके ऊपर चढ़ के क्यों ना ही तोड़ना पड़े। गरीब के बच्चे अगर आम खा रहे हैं तो खुशी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आम तोड़ते तोड़ते मैं काफ़ी थक भी गया हूँ, पसीना बहुत हो रहा है दोस्तों, वैसे ठंड हवा चल रहा है, बट क्या है कि दोस्तों थोड़ा हिलाना पड़ता है आम को, थोड़ा थकान महसूस होता है। दोस्तों मैं इस पेड़ पे भी गया था और उस साइड वाले डार पे भी गया था, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों कोई अगर किसी कोई आम खाना चाहे तो उसको खरीद के तो ज़रूर खिलाना चाहिए। वैसे दोस्तों बच्चे थे खड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलो इन लोगों को ऊपर देख ही रहे हैं तो हम लोग को आम खिला ही देता हूँ आज। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना जरूर करना दोस्तों, शेयर भी कर देना दोस्तों। तो आप लोग नीचे भी देख जा रहा हूँ मैं, बच्चों को और आम दूंगा, और आप लोग वीडियो को बने रहिए, वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों, आप लोग देखते रहिएगा। तो दोस्तों मैं अब नीचे धीरे धीरे उतर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही आराम से उतरा जाता है दोस्तों, आप लोग देखिए मैं बस पहुँच ही गया हूँ दोस्तों, इसी ब्रिज पर मैं चढ़ा हुआ था। दोस्तों मैं आ चुका हूँ नीचे, आप लोग को वीडियो को लाइक करना दोस्तों, गर्मी बहुत तेज लग रहा था अभी, लेकिन आप लोगों को मैं बच्चों को भी आम दे रहा हूँ दोस्तों। तो बच्चों मीठा आम लग रहा है? अच्छा है वो अभी, अच्छा आप लोग बहुत खाए आम दोस्तों। आप लोग देखा कि बच्चे कैसे मीठे मीठे आम खा रहे हैं, तो मैं इसी ऊंचाइयों पे चढ़ के गया था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं काफी बच्चे यहाँ पे हैं, तकरीबन 10-12 बच्चे हैं। ये देखो कितना मीठा मीठा छोटी बगुलिया बच्चे खा रही है, तो आप लोग देख दे मीठा आम है, आम मीठा है, हाँ बहुत बढ़िया, आप खा ही रहो खा ही रहो दोस्तों। आम भी काफी गिरा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, मैं आम के वृक्ष पे गया था, मेरी माँ है बहुत बोल रही थी, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कोई अगर बच्चा ऊपर जाता तो माँ को कितना तकलीफ होता, कहीं गिर ना जाए। वैसे दोस्तों मेरा वीडियो देखकर आप लोग पेड़ पे बिल्कुल भी मत चढ़िएगा, क्योंकि जो चढ़ने के लिए जानता वही चढ़ सकता है। तो अभी मैं नीचे आ गया हूँ दोस्तों, बच्चे सारे आम खा रहे हैं, आप लोग एक बार हाय कर दो मेरे साथ, ऐसे बोलो हाय, आम मीठा खा रहा है, मीठा आम सोनू। मैं भी ले लिया हूँ, बहुत ही मीठा आम है दोस्तों, आप खाई आम? खाई मीठा खाया? बहुत मीठा है दोस्तों। आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला थी वो सब लोग आम को खाए, इतना मीठा इतना स्वादिष्ट दोस्तों, पेड़ पे चढ़ने का मेहनत सफल रहा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आगे के लिए वीडियो में नेक्स्ट आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक लिए बाय बाय, बाय बाय करो।